वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं लुक क्रिएट करूंगी वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की न्यू मूवी आई है गंगूबाई काठियावाड़ी। तो उसमें हेयर स्टाइल जो है उसमें अपने बालों को बहुत सारी चोटी बांधनी है और फिर उनको ओपन करना है ताकि वो जो वेव्स आएँ। और ये है मेरे पास रबर बैंड्स। अगर आपके पास नॉर्मल रबर बैंड है तो नॉर्मल रबर बैंड से बांध लें चोटी पूरे सर में। अगर छोटे छोटे से है कलरफुल जो बेबी रबर बैंड जो होते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो ये आप बैग ले सकते हैं। तो ये मैंने अपने गीले बालों में बहुत सारी चोटी बांधी थी जो अब मैं ओपन करके आपको दिखाऊँगी। तो व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे बालों में मेरे वेव्स आए। ऐसा लग रहा है कि मैंने क्रिम्पल करे हैं, लेकिन क्रिम्पल बिल्कुल भी नहीं करे। मैंने सिर्फ चोटी बांधी थी गीले बालों में और फिर उनको ओवरनाइट के बाद ओपन करे हैं आपके सामने अभी। तो ये काफ़ी अच्छे वेव्स आए हैं इसमें और काफ़ी वॉल्यूम आ गया है बालों में। तो अब मैं कैचर करूँगी ताकि मैं मेकअप कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट मेकअप। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मैं रिवाज यूके का वाइटिंग एंड वेनिशिंग सन ब्लॉक वाटर रेसिस्टेंट एंटी डार्क स्पॉट एंटी डार्कनिंग मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्किन फ्रॉम यूवीए एंड बी रेस एंड एक्सप्रेसिंग नेचुरल स्किन टोन फॉर ऑल स्किन टाइप्स एसपीएफ 16 सन ब्लॉक है ये। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं सनलाइट में मेकअप कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिवाज यूके का मैं सनब्लॉक अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पे। सेकंड स्टेप में मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन है ये। तो ये है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। इसका शेड है 110 और ये 30 ml है। स्मूथ मैट प्लस प्रोलेस फाउंडेशन है ये। मेबेलिन फिटमी फाउंडेशन को मैं बहुत ही लाइट अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, बहुत ही कम से कम लूँगी और फाउंडेशन को अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडिंग करने के बाद गंगूबाई काठियावाड़ी की आईब्रोज जो थी वो काफ़ी थिक थी और ब्राउन सी थी आईब्रोज, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्राउन पेंसिल ली है और इसे सिर्फ अपनी फ्रंट से आईब्रोज को मैं सेट करूँगी। तो लाइट सी पेंसिल अप्लाई करूँगी आईब्रोज की फ्रंट में और फिर उसे ब्रश से अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी और फिर लाइट ही आईब्रोज रखूंगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी थिक आईब्रोज है। तो व्यूवर्स मैंने अपनी दोनों आईब्रोज को सेट कर लिया है। फिर मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। कंसीलर है मिस रोज का, इसे मैं अपने फेस पे डार्क सर्कल पे अप्लाई करूंगी। जहाँ पे डार्क स्पॉट एक्नी स्पॉट है वहाँ वहाँ मैं सिर्फ अप्लाई करूंगी काफ़ी लाइट सा और फिर इसे अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड करूँगी। फिर मैं काजल अप्लाई करूँगी। तो काजल है लिपस्टिक की तरह, तो ये काजल मुझे बहुत क्यूट सा अच्छा लगता है नार्स का और काफ़ी इजी है इसे अप्लाई करना। और अगर आप अपर लैश लाइन पे अप्लाई करना चाहते हो तो अपर लैश लाइन पे भी कर सकते हैं और लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आईलाइनर मार्कर लिया है, लाइनर लगाने के लिए नहीं। यहाँ पे काजल के ही नीचे लोअर लैश लाइन पे इस आईलाइनर को मैं अप्लाई करूँगी ताकि मेरा जो काजल है बाद में फैले नहीं और जो वाटरप्रूफ रहे और काफ़ी डार्क हो जाए। तो इसलिए इस आईलाइनर मार्कर का नाम है 36H वाटरप्रूफ आईलाइनर और ये आईलाइनर मार्कर काफ़ी अच्छा है। इससे आप इजीली अपने लाइनर विंग लाइनर भी लगा सकते हैं और अपने काजल के नीचे बहुत ही केयरफुली आपने इसे अप्लाई करना है। फिर मैंने जल्दी से काजल अप्लाई कर लिया दूसरे आईज पे।
अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा है क्राचा का ब्लैक इन अ फ्लैश मस्कारा। आप इसका ब्रश देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रश है इसका। इससे मेरी जो आई की लैशेस हैं वो काफ़ी थिक वॉल्यूम और ब्लैक हो जाएंगी। तो गंगूबाई की जो मैंने पिक्चर्स में देखा था उसमें उनका काजल और आई लैशेस जो है ना काफ़ी ब्लैक और थिक है और वॉल्यूम है उनके आई लैशेस में, क्रॉल हुई हुई है उनके आई लैशेस। और काजल जो है ना काफ़ी मोटा सा और ब्लैक सा अप्लाई किया हुआ है उन्होंने। और फिर मैंने यहाँ पे लिपस्टिक ली है, मैट लिपस्टिक है ये। तो बिंदी मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं लिपस्टिक से ही अपने फॉरहेड पे बिंदी अप्लाई करती हूँ। तो रेड कलर की ये लिपस्टिक है और इसके एप्लीकेटर से मैं अपने फॉरहेड पे बिंदी गोल सी बनाऊँगी। अगर आपके पास बिंदी नहीं है तो आप लिपस्टिक या रेड मार्कर से भी अपनी फॉरहेड पे बिंदी बना सकते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं बिंदी काफ़ी मेरी अच्छी बनी है। तो आपने बस एक डॉट फॉरहेड के आईब्रोज के बीच में लगाना है और फिर उसे बहुत ही कम करते करते गोलाई से आपने बिंदी लगानी है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा छोटी नहीं, और फिर नॉर्मल साइज़ की बिंदी आपने बनानी है। तो यहाँ पे मैंने आउटलाइन ली है, आउटलाइन है ये ब्राउन, डार्क ब्राउन आउटलाइन है। और इस पेंसिल का नाम जो है वो है MN की डार्क ब्राउन ये पेंसिल है। तो इसमें जो मैं अपनी लिप आउटलाइन है ना, जो मेरे ऊपर वाली तरफ के लिप्स है ना, वो मैं काफ़ी थिक रखूँगी क्योंकि गंगूबाई की आलिया भट्ट के जो लिप्स है ना वो ऊपर से काफ़ी थिक है और नीचे से जो है ना लिप्स नॉर्मल से हैं, ऊपर से ज़्यादा मतलब के थिक बने हुए। तो यहाँ पर आउटलाइन में डार्क आउटलाइन ली है और फिर मैंने यहाँ पे लिपस्टिक ली है हुदा ब्यूटी लिक्विड मैट और ये डार्क मेहरून है। तो इसे मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी, एप्लीकेटर से नहीं करूँगी क्योंकि एप्लीकेटर से इतनी अच्छी लिपस्टिक अप्लाई नहीं होती है। तो लिप्स बनाने के लिए मैं एक छोटा सा ब्रश लिया है और उसी से ही अपने लिप पे अप्लाई करूँगी। काफ़ी लाइट लाइट करूँगी लेकिन अगर मुझे नीड होगी तो फिर मैं इसी लिपस्टिक का दूसरा कोट अप्लाई करूँगी। फिर मैंने एक और लिपस्टिक ली है क्योंकि आलिया भट्ट की जो लिपस्टिक है ना वो डार्क मेहरून है। जब वो गंगूबाई में जो वो भाषण दे रही होती है, वो जो सीन होता है, उनकी जो लिपस्टिक होती है डार्क मेहरून और डार्क बिंदी होती है। तो इसलिए मैंने एक और मेहरून डार्क लिया है, इसका नाम है किसी मैट लिपस्टिक है ये। तो इसे मैं अपनी लिप्स पे भी दूसरे कोट अप्लाई करूँगी और अपनी बिंदी पे भी अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक और बिंदी एक शेड की लगे। ओके व्यूअर्स, मेकअप है डन। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ ज्वेलरी और दुपट्टे के साथ। तो व्यूअर्स, लास्ट में मैंने आईलाइनर लिया और फिर आईलाइनर से अपने चिक्स पे प्लस बनाया क्योंकि गंगूबाई की जो पिक्चर में आलिया भट्ट के जो चिक्स पे एक तिल बना हुआ है लेकिन वो प्लस के साइन का तिल है। तो वो मैंने ऑफ कैमरा आईलाइनर से अपने चिक्स पे प्लस बनाया। आई होप व्यूअर्स आप सबको गंगूबाई खाटियावाड़ी मेकअप लुक पसंद आए। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और काइंडली लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं अल्लाह ब्लेस यू एंड योर्स फैमिली। अल्लाह हाफिज़। जी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि आज़ाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आँखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है। भाई लिखो, माँ का नाम गंगूबाई और बाप, बाप का नाम क्या लिखें? माँ का नाम काफी नहीं है ना, चलो बाप का नाम देवानंद।